हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में बेटा जी अपन डिस्कस करेंगे स्टीम इंजन के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि कोई भी वर्ड या कोई भी डेफिनेशन खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करते हैं। लाइक अगर अपन बात करेंगे स्टीम इंजन की, तो स्टीम इंजन दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है स्टीम और दूसरा है इंजन। पहला क्या है? स्टीम, और दूसरा है इंजन। स्टीम मतलब क्या हुआ? स्टीम इंजन मीन्स इंजन, यानी कि अगर कोई भी इंजन किसके हेल्प से चलेगा, स्टीम के हेल्प से अगर वो ऑपरेट करेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन वर्क कैसे करता है या स्टीम इंजन का काम क्या है बेसिकली? तो जब भी आप बात करोगे स्टीम इंजन की, तो स्टीम इंजन क्या करता है? सबसे पहले वो थर्मल एनर्जी को यूज़फुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। किसको? थर्मल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? यूज़फुल मैकेनिकल वर्क में, बाय एक्सपेंडिंग द स्टीम। देखो कैसे, जैसे अपन अगर बात करें तो सबसे पहले हम स्टीम कैसे प्रोड्यूस होता है? जब अपन किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? स्टीम मिलती है। ठीक है, तो हमें स्टीम मिल गई। अब हमने क्या करा? एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, ये कुछ अरेंजमेंट लिया, यहाँ पर हमने स्टीम प्रोवाइड करी, और ये इसका पिस्टन था, यहाँ पर हमने स्टीम प्रोवाइड करी। स्टीम जब हमने प्रोवाइड करी तो स्टीम के पास क्या है? थर्मल एनर्जी है, क्योंकि स्टीम कहाँ से प्रोड्यूस हुई है? जब हमने वाटर, या मान लो वाटर लिया, जब हमने वाटर को हीट करा तो वहाँ से हमें स्टीम मिली। ठीक है ना, तो जैसे अपन क्या करते हैं, स्टीम में क्या है? थर्मल एनर्जी है, और थर्मल एनर्जी जब हमने सप्लाई करी इसको, तो ये क्या हुआ? इसने क्या करा? पिस्टन को ऊपर और नीचे मूव करवाया। तो जैसे ही इसने पिस्टन को ऊपर और नीचे मूव करवाया, इट मीन्स कि क्या हुआ कि जो अपना स्टीम यानी कि जो अपना थर्मल एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया? यूज़फुल मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, फर्स्ट स्टीम इंजन किसने डेवलप करा था? जेम्स वॉट ने करा था 1763 में। उसके बाद देखो क्या हुआ कि तब जब इन्होंने, जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन डेवलप करा था वो इजी था, सिंपल था, बट उतना एफिशिएंट नहीं था, या फिर हमें वो एफिशिएंसी नहीं मिल पाती जो हमें अब चाहिए। जैसे अगर मान लो कि अपन बात करते हैं किसकी, ट्रेन की बात कर लो, तो पहले की जो 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 ट्रेन इससे चलते थे, स्टीम से चलते थे, उनकी स्पीड भी स्लो होती थी काफ़ी चीज़ें। मतलब अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि फ्यूल ख़त्म हो गया, उसमें मतलब बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो क्या हुआ कि अब जैसे जैसे नए नए साइंटिस्ट आते गए आज के टाइम पर, मतलब 1763 में जो इंजन था, ये जो सिस्टम था, उसके कंपैरिजन में आज के जो इंजन और सिस्टम्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो स्टीम इंजन जो पहले जेम्स वॉट ने बनाया था वो आउटडेटेड हो गया, क्योंकि जैसे चीज़ें एफिशिएंट बनती जाती हैं, पुरानी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म होती जाती है। ठीक है ना, अब अपन बात करेंगे कि स्टीम इंजन वर्क कैसे करता है। देखो, बॉयलर में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं, यानी कि स्टीम वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो बॉयलर क्या करता है? बेसिकली हॉट स्टीम को एक्सपेंड करता है। हॉट स्टीम को क्या करता है? एक्सपेंड करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हीट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे आपको, और हर एक चीज़ का फंक्शन क्या है वो भी आपको पता चलेगा, तो पेशेंसली देखते रहिए इसको। ठीक है, तो ये क्या है अपना स्टीम इंजन, यानी कि अगर हम एक वर्ड में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि स्टीम इंजन का काम क्या है बेसिकली। स्टीम इंजन बाय द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन क्या प्रोवाइड करता है? स्टीम इंजन थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एडवांटेज ऑफ स्टीम इंजन। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर जो जो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था उसका डिज़ाइन जो था वो काफ़ी सिंपल था, है ना, उसके साथ साथ उसका कंस्ट्रक्शन भी लो था, रिलायबल था, लो कॉस्ट के थे। ठीक है, उसके साथ साथ इसका जो मतलब ये जो स्टीम इंजन होते हैं इनका जो पावर है वो हमेशा 1470 किलो वॉट के नीचे ही रह सकता है इसलिए। और यहाँ पर जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी काफ़ी मतलब सस्ता फ्यूल होता है, जिससे अपन बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है, इट्स एफिशिएंसी इज़ बेटर ऑन पार्ट लोड एंड हैज़ एक्सीलेंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड हुआ है, दैट इज़ टॉर्क। टॉर्क होता क्या है? ये कोई एक हमने सर्कुलर सिलेंडर पे हमने फोर्स लगाया, तो जैसे ही हमने सर्कुलर सिलेंडर पे फोर्स लगाया वो क्या हुआ? थोड़ा सा मतलब टिल्ड हुआ, यानी कि ये रोटेट हुआ। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क और फोर्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि टॉर्क रोटेशन, यानी कि जब भी कोई फोर्स अपन अप्लाई करें और उसकी वजह से कोई चीज़ रोटेट हो जाए, देन दैट विल नोन एज टॉर्क। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बाय द वर्ड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है उसे भी रिवर्स कर सकते हैं, किसमें? जो अपना पुराना वाला स्टीम इंजन था। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन, हमने क्या करा है? स्टीम इंजन को डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाइड कर रखा है।
डिफरेंट बेसिस पर, जैसे कि इसमें के मतलब सिलेंडर अपन किस एक्सिस पे यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ स्टीम किस टाइप का एक्शन लेता है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ कितने सिलेंडर्स यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर के बेसिस पर हमने कैसे करके स्टीम इंजन को क्लासिफाइड कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर हमने देखो कितने एक्सिस होती हैं। अगर अपन बात करें एक्सिस की, तो बेसिकली अपने पास तीन एक्सिस हैं, अगर एक्स वाई जेड मतलब। लेकिन आप जब बात करोगे किसकी, जब आप सिलेंडर की बात करोगे, सिलेंडर को इंजन में माउंट करना है, तो आप दो एक्सिस पर कर सकते हो, एक्स पर कर सकते हो, वाई पर कर सकते हो, इसको इंक्लाइंड कर सकते हो, यही तीन एक्सिस हैं। तो इसी के बेसिस पर हमने क्या करा, इसको तीन पार्ट से क्लासीफाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड स्टीम इंजन, ठीक है। सेकेंड अपन बात करते हैं एक्शन ऑफ स्टीम की। तो बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ स्टीम ऑन द पिस्टन, द इंजन आर क्लासीफाइड एज सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन एंड डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। देखो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, जैसे ये अपने पास पिस्टन है, ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, हमने यहाँ पे एक इनलेट पोर्ट रखा लगा रखा है, और यहाँ पे एक कहीं पे हमने हमने आउटलेट पोर्ट लगा रखा है। हो क्या रहा है, इसमें जो स्टीम एंटर कर रही है वो बस एक साइड से एंटर कर रही है, मतलब जब अपनी अपनी स्टीम यहाँ से एंटर करेगी, तो स्टीम जब यहाँ से एंटर करेगी तो ये क्या होगा, मतलब हमने यहाँ पर अभी आउटलेट पोर्ट नहीं लगाया है, तो ये पिस्टन बस नीचे मूव करेगा। जब ये नीचे मूव करेगा तब ये वर्क मतलब नीचे मूव करेगा तब ये वर्क देगा, ऊपर मूव करेगा तो ये वर्क नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। बट जब यही चीज़ हमने दो पोर्ट लगा रखे हैं, यहाँ से भी अपन फ्यूल की सप्लाई करते हैं, यहाँ से भी, तो इसने क्या करा, इस फोर्स ने इसको ऊपर उठाया और इस फोर्स ने इसको नीचे उठाया, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, ठीक है। सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में यही है कि सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन में क्या होता है कि जब भी कोई मतलब पिस्टन अपना TDC से BDC मूव करता है, TDC मतलब ये टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर है, जब ऊपर से नीचे मूव करता है तो वो बस एक बार वर्क कर देता है। लेकिन जब आप बात करोगे किसकी, डबल एक्टिंग सिलेंडर की, तो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, दोनों टाइम ये हमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में वर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम वी हैव क्लासीफाइड द स्टीम इंजन इन टू डिफरेंट टाइप। फर्स्ट इज सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन एंड द अनदर वन इज़ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, ओके। एंड द अनदर वन इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेसिस पर हमने इसको दो टाइप से क्लासीफाइड कर रखा है, सिंपल स्टीम इंजन एंड कंपाउंड स्टीम इंजन। देखो जब भी आप सिंपल स्टीम इंजन की बात करोगे, इट मीन्स कि यहाँ पर अपन वन सिलेंडर यूज़ करेंगे, जब भी आप कंपाउंड स्टीम इंजन की बात करोगे, यहाँ पर अपन एक से ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखो बेटा जी, सिलेंडर वगैरह में जो ये टर्म आप सुन रहे हो, इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। एंड दैट इज़ अभी थोड़ी देर बाद अपन क्या करेंगे कि एक छोटा सा स्टीम इंजन उठाएंगे सिंपल वाला, और उसमें जितने भी कंपोनेंट लगते हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, वो सारा एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम इंजन तीन बेसिस पर अभी तक, बाकी और भी बेसिस पर हैं, पर अभी तक हमने तीन चीज़ें देखी हैं, एक्शन ऑफ सिलेंडर के बेसिस पर, एक्शन ऑफ स्टीम के बेसिस पर, एंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेसिस पर, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर तीन एक्सिस में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन, उसके बेसिस पर क्लासिफाइड कर दिया। एक्शन ऑफ स्टीम यानी दो सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग में क्या हुआ कि जब अपना पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तब या तो वर्क देगा या नीचे से ऊपर जाने पर वर्क देगा, बट डबल एक्टिंग में क्या होता है कि दोनों में हमें वर्क मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेंडर के बेसिस पर हमने इसको दो पार्ट में क्लासीफाइड कर रखा है, फर्स्ट है अपना सिंपल स्टीम इंजन एंड अनदर वन इज कंपाउंड स्टीम इंजन, ठीक है। अब देखो एग्जॉस्ट सिस्टम के बेसिस पर भी हमने इसको क्लासिफाइड कर रखा है। एग्जॉस्ट सिस्टम के बेसिस पर कहने का मतलब क्या है, एग्जॉस्ट सिस्टम के बेसिस पर कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जैसे देखो कोई सिस्टम है, कोई बंद सिस्टम है, कोई क्लोज सिस्टम है, कोई भी इंजन ले लो, अगर अपन ने क्या करा कि मतलब वो साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे जो एग्जॉस्ट है उसको भी उसके भी ऊपर अपन कुछ वर्क करके फिर उसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट गैस उसको रिलीज कर रहे हैं, तो वो अपना आ जाएगा किसमें, कंडेंसिंग इंजन में। बट अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो वो आ जाएगा नॉन कंडेंसिंग इंजन में। सो इफ वी विल टॉक अबाउट कंडेंसिंग इंजन, देन वी कैन से दैट इन दिस द एग्जॉस्ट सिस्टम फ्रॉम स्टीम इंजन पासिस इन अ कंडेंसर वेयर स्टीम इज कंडेंस्ड एट लो प्रेशर देन द एटमोसफियर। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है अपने, एग्जॉस्ट स्टीम मतलब जो एग्जॉस्ट निकलता है ना, उस एग्जॉस्ट स्टीम को अपन कंडेंस करते हैं लो प्रेशर पर, मतलब इतना उसका प्रेशर लो कर देते हैं कि उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कंडेंसिंग इंजन। बट अगर अपन नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन की बात करते हैं, तो नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन में क्या होता है, इसे हम मतलब डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। जैसे अगर अपन बाइक की बात करें, तो बाइक चलाते हैं तो
तो बाइक में क्या होता है कि जो भी एग्जॉस्ट निकलता है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, मतलब उसके ऊपर अपन कोई वर्क नहीं करते, कोई फंक्शन नहीं करते, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम हमने दो टाइप से क्लासीफाइड कर रखा, फर्स्ट एक कंडेंसिंग इंजन एंड द अनदर वन इज नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट उसके बाद फिर है अपना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन सिलेंडर। देखो सिलेंडर में भी जैसे अपन ने सिलेंडर में स्टीम प्रोवाइड कराई, ये देखो ये अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट फिर से कंसीडर कर लो, यहाँ पर अपन ने इसको स्टीम प्रोवाइड करा, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि स्टीम इसमें आए उसके बाद वो एक्सप्लोज करे, एक्सप्लोज करने का मतलब उसके अंदर एक्सपेंशन हो, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो। तो ये भी दोनों दो डिफरेंट बेसिस हैं। जब आप नॉन एक्सपेंसिव की बात करोगे तो ये क्या होगा, जैसे कि जो डायरेक्ट एक्टिंग पम्प्स होते हैं या फिर रोलिंग मिल्स वगैरह होती हैं, इन सब में अपन नॉन एक्सपेंसिव का यूज़ करते हैं। बट जब आप बात करते हो मतलब अनदर किसी भी चीज़ का, तो वो सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसिव इंजन्स होते हैं, ठीक है। जब आप एयरक्राफ्ट की बात करते हो बेटा जी, तो एयरक्राफ्ट के हर एक स्टेज पर इस जो जो भी आप मतलब एटमॉस्फेरिक एयर इसमें एंटर होता है उसकी सारी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, मतलब सारी वैल्यूज इन द सेंस कि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वो टाइप ऑफ इंजन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर भी एयरक्राफ्ट के केस में भी अपना क्या होता है, एक्सपेंसिव इंजन ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्व गियर फिर हमने इसको दो टाइप से क्लासीफाइड कर रखा है, फर्स्ट है अपना डी टाइप एंड द अनदर वन इज कॉर्डलेसिस और पोपेट टाइप, ठीक है। देखो जब आप डी टाइप की बात करोगे तो जैसे क्लियर है वॉल्व, वॉल्व अपन क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्यों यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। वॉल्व को हमने दो टाइप से क्लासीफाइड कर रखा है, डी टाइप और कॉर्डलेसिस और पोपेट टाइप, ठीक है। तो स्पीड के बेसिस पर भी अपने से क्लासीफाइड कर रखा है, लो स्पीड, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड। लो स्पीड कब होगा, जब इंजन, देखो इंजन की जो स्पीड होती है उसे अपन मापते हैं किसमें, आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, किसमें, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इसके बेसिस पर लो स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन और मीडियम स्पीड इंजन, जब भी अपना आरपीएम जो है वो 100 से लेस होगा, 100 से कम होगा, तो उसे अपन बोलेंगे लो स्पीड इंजन। जब 110 से 200 के बीच में होगा, यानी 110 से 200 के बीच में होगा, देन वी विल से दैट कि ये जो इंजन है अपना वो किस पे वर्क कर रहा है, मीडियम स्पीड इंजन पे वर्क कर रहा है। बट एट लास्ट अगर आप बात करोगे हाई स्पीड इंजन की, तो हाई स्पीड इंजन में क्या होता है कि इंजन अपना 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट से एवब रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर देखो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा है, एग्जॉस्ट सिस्टम के बेसिस पर जो हमने इंजन को क्लासीफाइड कर रखा है उसमें कंडेंसिंग था और नॉन कंडेंसिंग था, फिर एक्सपेंशन के बेसिस पर, फिर था अपना वॉल्व गियर के बेसिस पर, और फिर था अपना स्पीड के बेसिस पर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, तो यूजेस कहाँ है, जैसे देखो यूजेस अपन एक तो ये कर सकते हैं कि अपने सिस्टम को हम मतलब रोटेट करें उसके बाद इंजन यूज़ करें, या ऐसा हो सकता है सिस्टम हमारा स्टेशनरी हो फिर अपन इंजन का यूज़ करें, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो जो मरीन्स में यानी कि वाटर के अंदर हमें यूज़ करना है। तो इन तीन बेसिस पर भी हमने और भी स्टीम इंजन को क्लासीफाइड करा। तो पहला हो गया लोकोमोटिव और पोर्टेबल इंजन। लोकोमोटिव मतलब हुआ कि कोई भी जो भी अपना है वो व्हीकल मूवेबल में है वहाँ पर अपन इंजन का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हो गया स्टेशनरी इंजन, स्टेशनरी मतलब सिस्टम रुका हुआ है। उसके बाद हो गया मरीन इंजन, मरीन इंजन में क्या हुआ कि मरीन इंजन का मतलब हुआ कि मतलब जो समुद्री जहाज़ वगैरह होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, मरीन इंजन में। बाकी जो एयरक्राफ्ट के केसेस में भी बेटा जी अगर आप देखोगे तो ये सारे किस में होते हैं, लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब देखो अब अपन बात करते हैं गवर्निंग मेथड की। तो गवर्निंग मेथड के बेसिस पर देखो गवर्निंग मेथड एग्जैक्टली होता क्या, गवर्न मतलब किसी जैसे इंजन है, ये अपना क्या है, ये अपना इंजन है, हमें इसको गवर्न करना है यानी इसको ऑपरेट करना है, यानी इसकी स्पीड को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो जब अपन को स्पीड को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, पहला है थ्रॉटलिंग और दूसरा है ऑटोमेटिक कट ऑफ। एयरक्राफ्ट में जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड को अपन कैसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ थ्रॉटल। क्योंकि थ्रॉटल क्या करता है, मास फ्लो रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस इंजन की स्पीड को किससे कंट्रोल करते हैं, थ्रॉटलिंग गवर्निंग से। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने इसको दो इंजन मतलब गवर्निंग मेथड को दो टाइप से क्लासीफाइड करें, यानी स्टीम इंजन को गवर्निंग मेथड के बेसिस पर दो टाइप से क्लासीफाइड कर रखा, फर्स्ट है थ्रॉटल गवर्निंग और दूसरा है ऑटोमेटिक कट ऑफ। ऑटोमेटिक कट ऑफ जैसे नाम बता रहा है कि ऑटोमेटिक कट ऑफ होगा, यानी कि इसकी एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्पीड को या डेटा को अपन फिक्स कर देंगे उसी के बेसिस पर, यानी उसी के आरपीएम पर ये चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक कट ऑफ गवर्निंग। और थ्रॉटलिंग की जब आप बात करोगे तो
वो मैन्युअली सेट होगा, मतलब जिस पे आप थ्रोटल सेट कर दोगे उसी पे वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यानी थ्रोटल जैसे आप कम ज़्यादा करते हो वैसे वैसे उसकी जो आरपीएम है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अपन एक बार फिर से देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ सिलेंडर, एक्शन ऑफ स्टीम, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, उसके साथ साथ फिर एग्जॉस्ट सिस्टम के बेसिस पर, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम्स के बेसिस पर, वॉल्व गियर के बेसिस पर, स्पीड के बेसिस पर, और फिर यूजर्स गवर्निंग मेथड्स के बेसिस पर अपन ने इंजन को क्लासिफाइड कर रखा है। ठीक है, अब जो जिस इंजन की अपन बात कर रहे थे, जैसे अभी अपन ने स्टीम इंजन पढ़ा, स्टीम इंजन के एप्लीकेशंस देखे, यूजर्स देखे, है ना, बेनिफिट्स वगैरह इसकी देखी, हमें देखना है कि बेसिकली ये जो सिंपल मतलब स्टीम इंजन है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो देखो ये सिंपल स्टीम इंजन का एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर सारे 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 नोटेशंस आपको दिए गए हैं। जब आप बात करते हो किसकी, सीआर की, यानी कि सिलेंडर की, तो सिलेंडर कहाँ है, सी, यानी ये जो एलो पोर्शन है सारा वो क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है, बेसिकली एक हॉलो बॉक्स होता है जिसके अंदर अपना पिस्टन मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब ये ऊपर का जो जो भी है टॉप डेड सेंटर, और जहाँ तक अपना पिस्टन मूव करता है ना, ये हो गया, हो जाता है अपना, ये हो जाता है अपना बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, उसके बाद देखो पी से हमने डिनोट करा है पिस्टन को, तो ये हो गया अपना पिस्टन। पिस्टन मतलब ये वाला, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन, ये अपना क्या है, ये है अपना पिस्टन। जब आप पिस्टन रॉड की बात करोगे तो ये है पिस्टन रॉड, ये क्या है, ये है पिस्टन रॉड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर कैम्बर की। तो सिलेंडर कैम्बर को हमने रिप्रेजेंट करा है एम से, यानी कि ये है सिलेंडर कैम्बर। अब देखो आर क्या है, वॉल्व चैम्बर स्टीम चेस्ट, आर ये क्या है, स्टीम चेस्ट, जितना भी इस कलर से दिख रहा है, ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्टीम चेस्ट। फिर देखो फिर हमसे बोला गया स्टीम पोर्ट, स्टीम पोर्ट को हमने रिप्रेजेंट करा है एस पी से, तो इमेज में आपको एस पी दिख रहा होगा, स्टीम पोर्ट कहाँ है, देखो ये है अपना स्टीम पोर्ट, कहाँ गया, ये है, देखो ये है अपना स्टीम पोर्ट और ये है अपना स्टीम पोर्ट। ठीक है, अब देखो एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट को अपन ने शो करा है ई पी से, तो ये है अपना एग्जॉस्ट पोर्ट। ऐसे ही अपना स्टीम जैकेट जिसको अपन ने रेड से, ये जो है ये क्या है, ये सारे क्या है, ये जो रेड वाले हैं, यहाँ पर देखो आप सिलेंडर के बाहर ये क्या है, स्टीम जैकेट है। उसके बाद फिर अपना है स्लाइड वॉल्व, स्लाइड वॉल्व को अपन ने रिप्रेजेंट करा है वी से, जो कि यहाँ पर है। फिर है अपना स्लाइडिंग वॉल्व रॉड जिसे अपन ने रिप्रेजेंट करा है वी आर से, ठीक है, ये है अपना स्लाइडिंग वॉल्व रॉड, ये जो जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पर आप देख सकते हो, ये है क्या, स्लाइडिंग वॉल्व रॉड। उसके बाद डी है अपना स्टफिंग बॉक्स, ये है अपना स्टफिंग बॉक्स, ठीक है। उसके बाद सी पी है अपना क्रैंक पिन, फिर सी एस है अपना क्रैंक शैफ्ट, सी है अपना क्रैंक। अब जो जो भी अपना मतलब अपन ने जी से रिप्रेजेंट करा है गजेट ऑन पिन, उसके साथ साथ देखो फिर सी आर है अपना कनेक्टिंग रॉड, ई आर है अपना, ये देखो ये ई आर है, ये है इसेंट्रिक रॉड। इन सब का फंक्शन अभी अपन डिस्कस करेंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखो फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील जो है यहाँ पर है फ्लाई व्हील, ये किसके ऊपर माउंट है, ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट है। क्रैंक शाफ्ट अपना कहाँ है, ये वाला है अपना टोटल क्रैंक शाफ्ट, और फ्लाई व्हील इसी के ऊपर माउंट है। ठीक है, आई थिंक आप एक बार इसे फिर से दोबारा इस इमेज को देख सकते हैं रिव्यू करके। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट हैं। अब अपन देखेंगे कि हर एक पार्ट या हर एक कंपोनेंट की वर्किंग क्या है, कैसे करके ये वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या है स्टीम इंजन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेंडर की। तो जैसे अपन ने अभी देखा था सिलेंडर का काम क्या है, सिलेंडर एक हॉलो बॉक्स होती है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। सिलेंडर हमेशा किसका बनता है, ज़्यादातर ये कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का इसलिए बना होता है क्योंकि हमें इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, वॉल्व का काम क्या होता है, आप वॉल्व मेंबर या स्टीम चेस्ट की बात करो तो इनका काम क्या होता है, यहाँ पर भी आप देखो स्टीम चेस्ट जो भी था, ये देखो ये जो रेड वाला था, ये वाला पोर्शन, ये क्या था, स्टीम चेस्ट। ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, सिलेंडर को, सिलेंडर को ये एक टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आप पिस्टन की बात ले लो, तो पिस्टन का काम क्या है, बेसिकली पिस्टन क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में। कैसे, पिस्टन है अपना, स्टीम आया इसके ऊपर वर्क करा, पिस्टन ऊपर नीचे मूव हुआ,
यानी कि इसके पास इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर कौन एक्ट करा, प्रेशर। यानी कि इस टाइम जब स्टीम ने एक्ट करा तो इसके पास प्रेशर एनर्जी थी। जब ये पिस्टन ऊपर से नीचे मूव हुआ, इट मीन्स कि क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी मूव होने लगा। तो प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में। तो पिस्टन क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी की वजह से अगर ये मूवमेंट ना हो तो जो सिलेंडर में स्टीम का एक्सपेंशन होता है वो नहीं होगा। तो जब जब मतलब ये वर्क करता है उसी की वजह से एक्सपेंशन होता है, तभी हमें वर्क प्रॉपर मिल पाता है बाय द हेल्प ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन का फंक्शन क्या होता है, ये प्रेशर एनर्जी को रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसके मूवमेंट की वजह से ही जो स्टीम है वो सिलेंडर में एक्सपेंड करती है। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं पिस्टन रिंग की। तो देखो बेटा जी, जब भी अपन कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट या कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, या दो चीज़ों को अगर आपस में, जैसे नट बोल्ट ले लो, तो इन दोनों के बीच में भी हल्का सा टॉलरेंस होता है। क्योंकि अगर टॉलरेंस नहीं होगी तो क्या होगा कि अपन एक दूसरे से इसमें फिट नहीं कर पाएंगे। तो वैसे जब अपन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करते हैं, या किसी भी सिस्टम की या किसी भी इंजन की बात करते हैं, तो जब दो 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 कंपोनेंट को एक दूसरे में के अंदर मतलब रखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह, खाली जगह छोड़ते हैं, जैसे कि अपन टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस से अगर फ्लूड, या फिर आप मान लो कि किसी कोई भी ऐसा बॉक्स है, या फिर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अपन यहाँ से स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो दोनों एंड पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें लीकेज होने लगता है। तो इस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, पिस्टन में पिस्टन रिंग का यूज़ करते हैं। पिस्टन रिंग बेसिकली मतलब एक कुछ इस टाइप की रिंग होती हैं, ये प्लेसिबल होती हैं, पिस्टन के वेयर एंड टीयर को भी सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो देखो सिलेंडर का काम क्या हुआ, सिलेंडर का काम क्या है, सिलेंडर एक बॉक्स टाइप का है जो कि जिसके अंदर पिस्टन टू एंड फ्रो मूव करता है, यानी ऊपर से नीचे मूव करता है। ये किससे बना होता है, ये कास्ट आयरन से बना होता है। जब भी आप वॉल चैम्बर की बात करते हो, वॉल चैम्बर बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली ये सर्कुलर शेप का होता है, और मतलब जैसा जैसा आपका सिलेंडर है ना, उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर सिलेंडर अपना सर्कुलर है तो इसे सर्कुलर होगा, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होगा। ये क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसको, सिलेंडर को। ठीक है, जब आप पिस्टन की बात करते हो तो पिस्टन का बेसिक फंक्शन क्या है, पिस्टन प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में। प्रेशर एनर्जी को रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में कन्वर्ट करता है पिस्टन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर पिस्टन मूव नहीं करेगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा, तो वर्क हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, पिस्टन रिंग का काम क्या हुआ कि पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो भी टॉलरेंस है उससे लीकेज ना हो, इसी को मेंटेन करने के लिए अपन पिस्टन रिंग का यूज़ करते हैं, किसमें, पिस्टन में। उसके बाद देखो पिस्टन रॉड क्या हुआ, पिस्टन रॉड क्या करता है, क्रॉस हेड से जो पिस्टन है उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ताकि ये मूवमेंट कर पाए। उसके बाद देखो स्टफिंग बॉक्स का काम क्या है, पिस्टन रॉड मतलब जो जो अपने सिलेंडर कवर और वॉल्व रॉड के थ्रू ये पास करता है। ये क्या करता है कि सिलेंडर या वॉल्व के से भी जो लीकेज वगैरह होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है, कौन, स्टफिंग बॉक्स। ठीक है, उसके बाद देखो क्रॉस हेड एंड गाइड, इनका काम क्या होता है, जैसे देखो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड, इन दोनों दोनों क्या ही हैं, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड, दोनों के दोनों रॉड हैं, इनमें बियर एंड टीयर ना हो उसको सपोर्ट करता है अपना क्रॉस हेड एंड गाइड। ठीक है, तो पिस्टन रॉड, स्टफिंग बॉक्स और क्रॉस हेड एंड गाइड की वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। पिस्टन रॉड का काम क्या है, ये पिस्टन और क्रॉस हेड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ये ज़्यादातर माइल्ड स्टील से बना होता है। स्टफिंग बॉक्स क्या करता है, ये मतलब किससे किससे पास होता है, ये वॉल्व चैम्बर या चेस्ट से पास होता है। स्टीम मतलब सिलेंडर या वॉल्व से अगर कहीं पर भी एटमॉस्फेरिक लीकेज वगैरह कुछ भी कहीं से अगर लीकेज होता है तो उसको प्रिवेंट कौन करता है, स्टफिंग बॉक्स। यानी पहले तो पिस्टन जो पिस्टन रिंग थी वो थोड़ा सा प्रिवेंट करती हैं सिलेंडर के अंदर, लेकिन जो आउटर चीज़ें होती हैं उसे उससे कौन प्रिवेंट करता है, स्टफिंग बॉक्स। क्रॉस हेड एंड गाइड के बारे में आपको पता ही है। अब देखो इसमें कनेक्टिंग रॉड भी यूज़ होती है, कनेक्टिंग रॉड का मेन फंक्शन है रोटेटरी, जो मतलब पिस्टन का जो जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इंटू रोटेटरी मोशन ऑफ द क्रैंक शैफ्ट। ठीक है, ये ज़्यादातर फोर्ज स्टील का बना होता है, फोर्ज स्टील या माइल्ड स्टील, जितने भी आप नाम सुन रहे हो ये स्टील के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। उसके बाद देखो उसके बाद अपन बात करते हैं क्रैंक शैफ्ट की। तो ये क्या है, क्रैंक शैफ्ट इज़ द प्रिंसिपल रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रैंक शैफ्ट इंजन का। ये क्या करता है,
उसके बाद ईस्ट एंट्री की बात कर लो, इट इज़ ये हमेशा कास्ट आयरन से बना होता है एंड क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही लोकेटेड होता है। जब भी बेटा जी इसका जब भी आप एक्सेस की बात करोगे ना, तो जहाँ से क्रैंक शाफ्ट नज़दीक पड़ेगा इस उसी को उसी पे अपन इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट एंड ईस्ट एंट्री, इन तीनों का भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ पार्ट, कुछ कंपोनेंट और हैं, जैसे वॉल्व रॉड और इसेंट्रिक रॉड है, ठीक है। तो ये वॉल्व रोड गाइड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड, मतलब वो के कनेक्टेड होते हैं, और ये जो वॉल्व रोड गाइड है ये क्या करता है कि इसमें बेंडिंग से इसको प्रिवेंट करता है। ये अपना शाफ्ट है, अगर इसके ऊपर अपन ने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये बेंड होने के, किसी भी डायरेक्शन में बेंड होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे प्रिवेंशन कौन देता है? वॉल्व रॉड प्रिवेंट करता है किसको बेंट होने से, जो जो भी मतलब वॉल्व रॉड कनेक्शंस हैं, वॉल्व या सेंट्रिक रॉड, इन सब ये क्या करता है, ये सारे के सारे मतलब बेंट नहीं होते बाय द हेल्प ऑफ वॉल्व रॉड गाइड, ठीक है। अब देखो अपन वॉल्व की बात कर लेते हैं। वॉल्व बेटा जी आप सबको पता है लीकेज को प्रिवेंट करता है, दो टाइप का होता है जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, जिसमें से पहला है अपना डिसलाइट टाइप एंड दूसरा भी हमने डिस्कस करा था, ठीक है। अब देखो स्टीम जैकेट, स्टीम जैकेट एक मतलब ये क्या होता है कि जो जो भी अपना बॉयलर होता है ना, बॉयलर बॉयलर मतलब जहाँ पे वाटर या फिर कोई भी फ्लूड बॉयल हो रहा है जिससे हमें स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, उसको अपन ने एक जैकेट के अंदर रख रखा है ताकि कि वहाँ का जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके और टेम्परेचर मेंटेन रह सके, हाई टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादातर हाँ मतलब ये सिलेंडर के अंदर ही ज़्यादातर होता है। उसके बाद फ्लाई व्हील की बात करते हैं। फ्लाई व्हील का काम क्या है? साइक्लिक फ्लक्चुएशंस किस में होते हैं? फ्लाई व्हील में होते हैं। ये एनर्जी एब्जॉर्व करता है फिर उसको रिलीज करता है, एब्जॉर्व करता है रिलीज करता है, यानी इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। किस में फ्लक्चुएशन होते हैं? फ्लाई व्हील में। गवर्नर का काम क्या है? ये स्पीड को मेनटेन करके रखता है। गवर्नर क्या करता है? स्पीड को मेनटेन करके रखता है। मेन बियरिंग का काम क्या है? मेन बियरिंग का काम है क्रैंक शेफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करना? क्रैंक शेफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे कुछ कंपोनेंट जो अपन यूज़ करते हैं किसमें, स्टीम इंजन में, ठीक है। आई थिंक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना। अगर किसी को किसी पॉइंट पे मुझे लगता नहीं है वैसे होना चाहिए, बट अगर डाउट होता है तो श्योरली पूछो, मुझे से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो बेटा जी स्टीम इंजन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? जितने भी रेसिप्रोकेटिंग वाटर पंप हैं या कंप्रेसर्स हैं उन सब में अपन यूज़ करते हैं किसका, स्टीम इंजन का। जितने भी लोकोमोटिव मतलब ट्रेन बस ऑटोमोबाइल जितने सारे हैं सब में स्टीम इंजन का यूज़ करते हैं। जो पेपर मिल्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर भी अपन किसका यूज़ करते हैं? स्टीम इंजन का यूज़ करते हैं। स्टीम इंजन देखो मैंने तीन टाइप से अभी क्लासीफाइड करा था, मैं आपको दिखाती हूँ तीन टाइप से क्लासीफाइड कर रखा था। कौन 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 से टाइप से? मतलब लोकोमोटिव जो एक जगह जो जो चलते हों, दूसरा हो गया स्टेशनरी जो फिक्स रहते हों, और मरीन में भी। तो हर जगह इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो अपन ने स्टीम इंजन के डेफिनेशंस वगैरह देखे, स्टीम इंजन का काम क्या है एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टीम इंजन थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। ये जो मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये जो 10 नंबर का नहीं है, अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये लाइन लिख देते तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ये पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि अपन स्टीम इंजन पढ़ किस लिए रहे हैं, ताकि हमें क्या करना है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट स्टीम इंजन, ओके। सो दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दीज पॉइंट बिकॉज यू हैव टू एड दीज थिंग्स इन एग्जामिनेशन, ओके फाइन। इसका इन्वेंशन किसने करा था? जेम्स वॉट ने करा था 1763 में। उसके बाद बहुत सारे अपडेट हुए जिसकी वजह से ये आउटडेटेड हो गया, ठीक है। एडवांटेजेस भी हमने इसके पढ़ लिए। ये क्या करता है? किसी भी फ्यूल को आप बर्न करोगे तो वो हमें स्टीम प्रोवाइड कर ही देगा। रिलायबल होता है, लो कॉस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल होता है। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी मतलब पार्ट लोड पर इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी बढ़िया होती है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में भी इसको अपन रोटेट कर सकते हैं। 1470 किलोवाट आउटपुट से ये नीचे ही रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये इकोनॉमिकली सही होता है, क्योंकि अगर अपन मतलब कोल वगैरह की बात करें एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, तो वो काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है।
इसके हमने डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर के बेसिस पर, एक्सन ऑफ स्टीम। देखो बेटा जी, एक चीज़ ध्यान में रखना, जिस बेसिस पर आप क्लासीफाई कर रखे हो ना, उसी के बेसिस पर आपको खुद से समझ आ जाए। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमने क्या कर रखा है, सिलेंडर को किस एक्सिस पे मूव करे या फिक्स कर रखा है, शिफ्ट कर रखा है, जो भी है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ भाई जो वर्ड है वो क्या बता रहा है। मैं वर्ड पे ज़्यादा फोकस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वर्ड ही डेफिनेशन बताता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप क्लासिफिकेशन में कोई डाउट नहीं होगा। देन बेटा जी पार्ट की बात कर लो। देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। देखो एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ पॉइंटर से ही बता देती हूँ। देखो ये है अपना सॉरी, ये है अपना सिलेंडर, ये है पिस्टन, ये पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ मूव करता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, ऐसे करके इसके अंदर मूवमेंट होता है ना। यहाँ पर फ्लाई व्हील है, मतलब हर एक जो जो भी कंपोनेंट अपन ने अभी डिस्कस करें। ये देखो ये है अपना क्या, स्टीम जैकेट। स्टीम जैकेट, स्टीम जैकेट का काम क्या है, स्टीम जैकेट का काम क्या है कि इसके अंदर जो भी स्टीम, यानी बॉयलर के अंदर जो भी स्टीम प्रोवाइड हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर लेवल है उसको मेंटेन करके हाई रख सके, क्योंकि अगर हाई नहीं रहेगा तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट में प्रेशर नहीं मिलेगा, जिससे जिससे कि पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा उतना उतना प्रेशराइज हो के, तो हमें कम एनर्जी मिलेगी और इससे अपना इंजन की स्पीड भी स्लो हो जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि जो भी आरपीएम है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है अपना थ्रस्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ एक चीज़ मैंने इसमें नहीं दिखाई, यहाँ पर देखो ये पी से अपन ने पिस्टन को रिप्रेजेंट करा है, ये है अपना क्रैंक पिन, ये है अपना कनेक्टिंग रॉड, एच से अपने क्रॉस हेड को रिप्रेजेंट करा है, जी है अपना गाइड बार ना, ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप जब ये पढ़ोगे मतलब गैस टरबाइन इंजन पढ़ोगे ना, तो गैस टरबाइन इंजन में स्टीम इंजन, मतलब गैस टरबाइन इंजन देखो इसका स्टीम इंजन का ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, तो इसमें अपन मतलब पहले के इंजन के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आउटडेटेड हो गए। जब आप गैस टरबाइन पढ़ोगे तो जो आज के इंजन्स हैं, जो जो हर एक जगह ऑटोमोबाइल में, एयरक्राफ्ट में, हर जगह पे जिन इंजन का यूज़ करते हैं, हम अपन को उसके बारे में डिस्कस करना है। एक चीज़ देखो बेटा जी, इंजन को हमने एक्सटर्नल और इंटरनल बेसिस पर भी क्लासीफाइड कर रखा था। एक्सटर्नल इंजन और मतलब आईसी इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन और एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। कम्बशन का देखो, जब भी आप कम्बशन की बात करते हो ना, कम्बशन मतलब होता है जलना, यानी कि अगर आप किसी फ्यूल को अंदर जला रहे हो तो वो इंटरनल कम्बशन हो गया, अगर बाहर जला के पावर बस दे रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो हो गया एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, ठीक है। तो ये था अपना स्टीम इंजन, छोटा सा टॉपिक था। अब अपन बात कर लेते हैं स्टीम टेबल की। देखो स्टीम टेबल होता क्या है बेटा जी, अपन ने अब तक बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एवरीथिंग। जो स्टीम टेबल है ये बेसिकली हमें, ये एक टेबल है, जैसे अपन ने पीवी कर्व देखा था, तो दो जैसे कुछ इस टाइप का अपन ने पीवी कर्व ड्रॉ करा था, एक ये स्टेट वन था, ये स्टेट टू था, तो यहाँ पर जितना प्रेशर टेम्परेचर में वेरिएशन था वो अपन ने लिख लिया था कुछ इस टाइप का, है ना। तो ये इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, चार्ट बना के, कि भाई यहाँ पर क्रमांक लिख दिया, ये प्रेशर हो गया, ये इसका हो गया टेम्परेचर, तो यहाँ पर कितना प्रेशर हुआ, कितना टेम्परेचर हो, लिख सकते हैं, टेबल बना दिया अपन ने। तो वैसे स्टीम टेबल किसके किसके बीच में देखी जाती है, स्टीम टेबल हमेशा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इनथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और टेम्परेचर, इन सबके बीच में अपन स्टीम टेबल, एक टेबल देखते हैं जिसे कि अपन जिस जिसको कि अपन स्टीम टेबल बोलते हैं। स्टीम टेबल बेटा जी, जब भी आप स्टीम इंजन की बात करते हो, स्टीम टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टीम की एनथैल्पी क्या है, स्टीम मतलब स्टीम की जो प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट होता है इंजन का पावर। क्योंकि अगर देखो दो चीज़ अपने पास है, एक तो लकड़ी है और दूसरा है अपने पास है पेपर है, तो जब अपन पेपर को जलाते हैं ना, तो वो उतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करता जितना कि लकड़ी करती है, क्यों, कुछ होगा रीज़न, है ना, वो आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। इसी के बेसिस पर हमने क्या कर रखा है, स्टीम टेबल बना रखी है, कौन सा फ्यूल बर्न करेंगे कितने टेम्परेचर पर, तो हमें कितना स्पेसिफिक इनथैल्पी मिलेगा, कितना एंट्रोपी मिलेगा, है ना, और इन सब का रिलेशन कैसे करके है इंजन के साथ, या फिर आप बोल सकते हो कि सिस्टम के साथ, वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि अब तक जो हमने पढ़ा वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, क्योंकि आज हमने बस दो टॉपिक देखा है, एक तो देखा है स्टीम इंजन और स्टीम टेबल, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटा जी कि जो डाउट हो वो पूछ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। अनदर यानी कि कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में अपन यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट वगैरह जो भी हैं।
एंड एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस लेना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम मतलब बारिश वगैरह की वजह से ना नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है, तो जिसकी वजह से इश्यूज आ रही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।